आजकल अपनी जमीन की रजिस्ट्री करानी है, या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, या किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है, या तब किसी को जमीन बेचनी हो या अपना मालिकाना हक दिखाना हो, तो उस समय आपको खतौनी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कि लेखपाल या पटवारी ने कोई गलती कर दी है, आपके नाम या आपकी जमीन किसी अन्य के नाम चढ़ गई है। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताने कि आप अपनी जमीन का जो भी बायोडाटा है वो समय समय पर अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं। आप जिस किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं आपका दोस्त महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल टॉक ऑफिशियल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि तब जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जाना होगा और वहाँ पर आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पर आप लिखेंगे भूलेख। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ जो खसरा खतौनी आप चेक करेंगे, मैं उत्तर प्रदेश की खसरा खतौनी चेक कर आपको बताऊँगा। भूलेख टाइप करेंगे। भूलेख टाइप करने के बाद में आप देखिए, सबसे पहला जो सर्च बार में आएगा भूलेख, आप उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में देखिए, यहाँ पर भूलेख उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। वहाँ पर आप देखिए टाइप करेंगे, देखिए जो स्क्रीन पर है जहाँ पर ये लिखा है आपको, वहाँ से आपको टाइप करना है। यहाँ पर देखिए आप बिजनौर टाइप करेंगे। बिजनौर जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर आएगा बिजनौर। देखिए यहाँ पर बिजनौर आ गया है। बिजनौर में आप यहाँ पर तहसील चुनिएगा, तहसील चुनेंगे धामपुर। धामपुर में जैसे देखिए आप तहसील चुनेंगे, उसके बाद आएगा अमराबाद। देखिए यहाँ पर टाइप कीजिए अमराबाद, नीचे स्क्रॉल करिएगा। यहाँ पर देखिए अमराबाद आ गया है। अमराबाद जैसे ही टाइप करेंगे तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्क्रीन ओपन होने के बाद में नाम आ गए। खसरा घाटा संख्या के द्वारा भी आप अपना खसरा खतौनी चेक कर सकते हैं। खाता संख्या द्वारा भी आप चेक कर, खातेदार के नाम के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि खातेदार के नाम के द्वारा आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, जैसे कि खातेदार के नाम के द्वारा पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम के कुछ अक्षर भरें, जैसे कि लिखा है तो आप पहला अक्षर भर दीजिएगा अ। आज जैसे ही आप भरेंगे यहाँ पर अशोक कुमार का चेक करेंगे, जैसे देखिए 4 वार्ड 0 खाता संख्या है अशोक कुमार इंदर सिंह। आप उसके बाद उद्धरण देखे करेंगे। उद्धरण देखे करने के बाद में आप कैप्चा फिल कर देंगे। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे उसके बाद देखिए कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में देखिए एक यहाँ पर खाता विवरण आ गया है। खाता विवरण में जितने भी इस खाता संख्या के अंदर में जितने भी लोगों के नाम पर ज़मीन है वो सारी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, और अपना खाता संख्या आप डालकर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो खाता संख्या है यानी कि आपकी ज़मीन पर कितना किस किस ने लोन लिया हुआ, यानी किस किस नाम से लोन आ रहा है। देखिए यहाँ पर सारा विवरण आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क में लोन लिया गया है 72,000 रुपये का, ठीक है। देखिए आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद अब मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी राज्यों के लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से भी जिस जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ से भी उन लिंक्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। थैंक यू।